90% मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पूर्वज हमारे पितर ही बच्चे के रूप में परिवार में जन्म लेते हैं और ये तभी वो घर चुनेंगे जब वो प्रसन्न रहेंगे अर्थात तृप्त रहेंगे। बिल्कुल, और उनकी तृप्ति होना बहुत जरूरी है तभी ये हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन कल्याण करने के लिए कुछ हमें भी कुछ ना कुछ करना है उनके निमित्त। क्या कुछ प्रयोग हम करें ताकि वो हमारा कल्याण करें, आइए आपको बताते हैं। पूर्वज हमारे पितर जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है लेकिन वो आपके परिवार में आ सकते हैं। आत्मा सबसे पहले जब वो पुनर्जन्म चाहती है, मान लीजिए किसी के जन्मांक में मोक्ष योग नहीं है तो ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि आत्मा पुनः कोई न कोई शरीर धारण करती है और ये सच भी है। तभी कई बार आप देखते होंगे कि बहुतों को पिछले जन्म की बातें तमाम याद रहती हैं। इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य तो वैसे नहीं मिलता है लेकिन हाँ आध्यात्मिक तथ्यों से भरपूर यह विषय आज भी इस दृष्टि में विद्यमान है। तो आत्मा सबसे पहले उसी कुल को चुनती है जिसकी वो यूज टू हो चुकी है, मतलब जहां की आदतें जहां के संस्कार उसको पसंद हैं। लेकिन वो तभी चुनेगी जब वो तृप्त रहेगी प्रसन्न रहेगी। तो कैसे वो हमारे कल्याण के निमित्त आत्माएं विचार करें, अब उस पर एक नजर। एक कटोरी में जौ के दाने रख लीजिए, मात्रा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, 4-6-10 चुटकी रख लीजिएगा, ज्यादा मात्रा मत रखिएगा, सामग्री का कभी भी अपव्यय नहीं होना चाहिए। सामने अपने रख करके तुलसी की पत्ती का रस उसमें टपका दीजिएगा, 2-4 पत्ती का, बहुत शुभ उपाय बता रहे हैं। इसके बाद क्षण भर के लिए अपने पितरों का ध्यान करिएगा और ले जाकर के फिर सामग्री को पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। अर्पण करना है, फेंकना नहीं, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा ही श्राद्ध है। ये छोटा सा उपाय आपके पितरों के द्वारा आपके विषय में कल्याण की भावना को निहित करेगा। आपके पितर आपका कल्याण करेंगे, हर तरह से आपकी जय जयकार होगी और आपकी सूनी गोद भरेगी। और अगर बच्चा जन्म ले लिया है तो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, अपने सत्कर्मों से आपको प्रसन्न करेगा भी, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बिल्कुल, क्योंकि पितरों को देव भी माना गया है, पितृ देव भव कहा जाता है। और हम आगे बताएंगे कि द्वादशी तिथि का श्राद्ध क्या जो है वो किस विधि से होना चाहिए, श्राद्ध की विधि भी बताएंगे आगे। लेकिन लखनऊ से हमारे साथ शालू जुड़ी हैं। शालू जी, आपका स्वागत है शो में। शालू, आप तक हमारी हेलो जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते शालू, लगता है टीवी का वॉल्यूम। मैं आज हूँ अपने दीदी की बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। टीवी अच्छा। की आवाज बंद कर दीजिए शालू। हाँ जी, उसका जन्मदिन है 12 मई 2007। अच्छा, समय सुबह 3 बजे और प्लेस और जन्म स्थान दिल्ली है जी। क्या सवाल है आपका? वो हर काम बहुत धीरे धीरे करती है, उसका पढ़ाई में भी मन बहुत कम लगता है, स्कूल में काम भी रोज छोड़ के चली आती है वो, और आगे भविष्य में क्या बनेगी? बिल्कुल शालू, ज्येष्ठ कृष्ण दशमी का जन्म है, सद्विषा नक्षत्र में है गुड़िया, और सद्विषा नक्षत्र चूंकि राहु का नक्षत्र होता है और चंद्रमा के साथ कुंभ में राहु भी बैठा है इसमें थोड़ा सा स्लो रहेगी। मस्तिष्क भाव में शनि की उपस्थिति है, पंचमस्थ शनि हर चीज में स्लो कर देता है, मस्तिष्क का विकास भी बहुत धीरे होता है बहुत, लेकिन चिंता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, 1% भी चिंता ना करिए। छोटा सा उपाय, बेटी ठीक हो जाएगी। शनिवार के दिन अपनी बहन से कहिएगा कि व्रत कर लेंगी और व्रत के साथ साथ गुड़िया के हाथों से उड़द की खिचड़ी बनाकर शाम के समय में सूर्यास्त के बाद कहीं दान करवा दीजिएगा। बस एक छोटा सा उपाय करिए, करीब 20-21 दिन इसको करवाइएगा, कुछ दिन लगातार करवा दीजिए, फिर शनिवार रेगुलर करवा दीजिएगा। इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ जरूर बताइएगा क्योंकि लाभ 100% गारंटीड है जी। हाँ, और इसके लिए आप हमें मेल कर दीजिएगा कल atm@liveindia.tv पर या कॉल करके भी हमें बताइएगा। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो अब आप तैयार हो जाइए और नोट कीजिए अपने अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए खास अक्षर हमारे खास दर्शकों के लिए, मेष वालों के लिए छोटा आ है, वृषभ के लिए शा, नोट करते जाएं।
मिथुन के लिए नागक्षर और कर्क के लिए माँ, सिंह राशि के लिए बागक्षर और कन्या के लिए ढा, तुला राशि के लिए दागक्षर और वृश्चिक के लिए रा, धनु राशि काक्षर और मकर के लिए टा, कुंभ राशि के लिए साक्षर और मीन के लिए ला। एक खास अक्षर आप सबके लिए, इसको नोट करके अपने पास रखें और 24 घंटे हंसते रहें जी। और अब पुणे से हमारे साथ सुमन जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार गुरु जी। राधे राधे। जय श्री राधे। गुरु जी, आपसे बात मिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। हेलो, बड़प्पन आपका है जी। गुरु जी, मैं अपने बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। हेलो, उसके करियर के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। उसका जन्म है 23/10/96। हेलो जी, और समय 10:17 सुबह का पुणे का। जी, और प्लेस? प्लेस पुना। पुणे। हाँ। क्या सवाल है आपका सुमन जी? हेलो जी सुमन जी। हाँ, बिटिया के लिए की करियर अभी बीकॉम लास्ट ईयर है जी। तो उसके आगे किस फील्ड के लिए करियर बनाना चाहती? सीए के लिए एंट्रेंस दिया था लेकिन वो निकल नहीं पाई। गुरु जी, बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, आश्विन शुक्ल द्वादशी का जन्म है, सतविषा नक्षत्र इनका सूर्योदय कालीन नक्षत्र सतविषा था, वैसे पूर्वा भाद्रपद में इनका जन्म रहा है। और सीए तो नहीं हो पाएगा, इतना मजबूत जन्मांक नहीं है कि ये सीए कर पाए। वजह है दशमेश सूर्य नीचस्थ है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य तुला का होता है, पितृ ऋण की बहुत बड़ी प्रबलता है, शनि की महादशा चल रही है 2029 तक। तो सीए जैसे ही मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सूर्य बुध की मजबूती बहुत अनिवार्य होती है। इसमें बुध भी राहु के साथ है, तो ना सूर्य मजबूत ना बुध मजबूत, अकाउंट्स का कारक ही बुध होता है। यद्यपि है तो कन्या का, लेकिन राहु के साथ कहां फल दे पाएगा। तो सुमन जी, शनिवार के दिन अपनी बिटिया से कहिएगा कि व्रत कर ले, बैंकिंग वगैरह की तैयारी करे। प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में ये अच्छे पद तक जा सकती है। फिनांस में अगर चाहे तो ये MBA भी कर सकती है, ये उसके लिए भी जन्मांक माकूल है, अच्छा है, शुभ है। हमारी शुभकामनाएं सुमन जी, और व्रत जरूर करवा दीजिएगा शनिवार का। जी हाँ, और आगे बताएंगे कि पवित्र मन से हमें आज के दिन द्वादशी का श्राद्ध करना है पितरों की कृपा हासिल करने के लिए, लेकिन वो प्रयोग बताएं आपको। उससे पहले आचार्य जी फिर से वही जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि पूर्वजों का जो इस समय आगमन है, लेकिन अब पूर्वजों के जाने का समय भी समीप आ चुका है, विदाई भी होने वाली है, आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कि जाते जाते पितरों से हम जितना चाहे आशीर्वाद ले सकते हैं, एक ऐसा अच्छा सा मौका होता है हमारे पास। 3 दिन और बचे हैं आज को छोड़ने के बाद, 28, 29, 30। इन 3 दिनों में और आज का दिन लेकर के 4 दिनों में आपको तैयारी करनी है। कल आज और कल के साथ अगर जुड़ते हैं आप, तो आपको तमाम वो सारे दोष दूर करने का एक अच्छा मौका यहाँ से, इस मंच से मिल सकता है, जब आप पितरों का खूब सारा आशीर्वाद पा सकते हैं। इसकी एक प्यारी सी झलक देखिए और फिर जुड़िए कल आज और कल के साथ। पितरो अमी मदंत पितरो अति तृप्त्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। बिल्कुल, तो ये पितृपक्ष में जब पितरों की विदाई दी जाएगी, उनको विदाई दी जाएगी, तो ये हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अब हम बात करेंगे पितृ कृपा हासिल करने के बारे में। आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध है, कैसे हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें आज के दिन और कैसे उनका आशीर्वाद हासिल करें, आइए आपको बताते हैं। कोई हक अगर आपका मार रहा, बस थोड़ी ही देर में किचन पिटारा का भी मुंह खुलेगा। पहले आप देखिए आज के दिन पितरों का आशीर्वाद कैसे मिल जाए। पितरों का आशीर्वाद मिलने का सबसे बड़ा शुभ संकेत यह होता है, आपके पितर अगर प्रसन्न है तो आपके संतान, आपके बच्चे जबरदस्त रूप से आपकी सेवा करेंगे, आपके हर आदेश को मानेंगे। पुत्रम सवैह यह प्रणोति पितरम सुचरते ही, पुत्र वही जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। तो देखते हैं किसका किसका बच्चा उसके वश में रहेगा,
पितरों का आशीर्वाद कौन कौन पाता है, ये खास उपाय नोट कर लीजिएगा। एक पीपल के पत्ते पर पीली सरसों रख लीजिएगा, नोट करिए ये आपकी स्क्रीन पर। 3 चुटकी काले तिल डालिएगा और 3 तुलसी की पत्ती भी इसके साथ रख दीजिएगा। ये 3 सामग्री हो गई पीली सरसों के साथ। सामने रख करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। खास मंत्र संतान गोपाल मंत्र, हरिवंश पुराण का मंत्र है। अपने आप में ही संतान के सुख सौभाग्य को पाने के लिए, दिलाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद मंत्र जपने के बाद अपने पितरों का नाम दोहराइए, जो भी आपके पितर हैं। जितने पितरों का नाम याद है उनका नाम दोहराएं, नहीं नाम याद है तो गोत्र भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अपने सर से इस सामग्री को वार लीजिएगा और फिर बाहर घर के कहीं पर फेंक दीजिएगा। यहाँ ना मंत्र जपने की संख्या का हमने जिक्र किया है, ना पितरों के नाम की संख्या का जिक्र किया है। आप पर निर्भर करता है आपके पास समय की उपलब्धता कितनी है, उसके आधार पर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक ही बार करना है, आज द्वादशी के दिन कर दीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा। अगर आप अब तक संतानवान नहीं बने हैं, नहीं बनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तत्काल इसका रिजल्ट दिखेगा। और अगर संतान है तो आपके वश में रहेगा, हर तरह से चरित्रवान बनेगा। बिल्कुल। और आगे किचन पिटारे की बारी भी आने वाली है, आपको आपका हक भी मिलेगा, इसके लिए किचन पिटारे का इंतजार कर लीजिए। पर उससे पहले महाराष्ट्र से हमें सुनील ने फोन किया है। सुनील जी, आपका स्वागत है शो में। महाराष्ट्र में कहां से बात कर रहे हैं आप? सुनील, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है सुनील जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जूली जुड़ी है हमारे साथ। जूली जी, आपका स्वागत है शो में। जूली, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है जूली जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जब मर्जी कॉल कीजिए, नंबर हमारे अभी फ्लैश हो रहे हैं, मेल भी कर सकते हैं आप सभी हमें। और हम बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में, आज का दिन हम सबके लिए कैसा है, और खास तौर पर शुरुआत पहली 6 राशियों से हो रही है। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक, जान लीजिए आज का पूरा दिन हम सबके लिए कैसा है। दिन थकान से भरा रहेगा, फिजूल खर्च ना करें, भूरा रंग शुभ है, 77% का भाग मेष वालों के साथ है। तो आज थके रहेंगे आप, पूरी तरह से आपके अंदर थकावट रहेगी, लेकिन भाग्य अच्छा है। वृषभ राशि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, सफेद रंग शुभ है, 80% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन, रोके कार्य बन जाएंगे, वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं विदेश जाने के निमित्त, पीला रंग शुभ है, 85% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, नई योजनाएं सफल होंगी, विद्यार्थी गण आज शिक्षा पर अपने ध्यान दें, हरा रंग शुभ है, 75% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, कार्यों में जल्दीबाजी ना करें, नए कार्य आपके बनेंगे, लाल रंग शुभ रहेगा, 85% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, नौकरी में पदोन्नति का योग है, शोहरत मिलेगी आज, पिंक रंग शुभ रहेगा, गुलाबी, 55% का भाग्य आपके साथ है। जी, और तुला से लेकर के मीन तक का जो राशिफल है हम आपको आगे बताएंगे। हैदराबाद से सुनील जुड़ गए हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अतर जी, चरणों में स्वागत है। बहुत आशीर्वाद भैया। अतर जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/9/81। जी, समय समय है 00:45, यानी आज 27 की रात में वो आता रहेगी, तो ये डेट चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक जी। और स्थान? एक हैदराबाद। हैदराबाद आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे करियर को लेकर है। हाँ आचार्य जी, मैं राजनीति में हूँ, तो एक पंडित जी ने बोला कि राजनीति में वो युद्ध तो है नहीं उतना कि ऊंचे स्थान तक जा सकते, क्या ये बात कैसे क्या आचार्य? और दूसरा की मैं करियर में कौन सा कार्य करूं, अगर ये नहीं है तो, कि मैं उसमें बहुत सफल हो जाऊं और जीवन में आगे बढ़ू कार्य करके आचार्य जी, और कोई उपाय बताइए कि जीवन में अच्छा हो जाए जी।
देखिए अमावस्या का जन्म आपका भैया और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, राजनीति में आप प्रवेश कर चुके हैं तो इसका मतलब योग था तभी आप वहां तक पहुंचे। अब कहां तक पहुंचेंगे, पद कहां तक मिलेगा, ये थोड़ा सा मामला यहां पर गड़बड़ है। अमावस्या का जन्म है, वो भी रात का जन्म है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, इसमें दो राय नहीं। सूर्य शनि चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, कुछ और हम आपसे करवाते हैं। वैसे कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, तो अपने बच्चे के नाम से आप कोशिश करिएगा रेस्टोरेंट या फिर कपड़े का व्यवसाय शुरू करने का। एक बार सम्यक रूप से जन्मांक विश्लेषण करवा लीजिएगा। 6 अप्रैल 2018 तक राहु की महादशा है, तो 2018 तक अभी जैसे तैसे करके समय काट लीजिए। 2018 के बाद स्थिति कुछ आपके पक्ष में आएगी, जब तक पेशेंस रखें। उपाय के तौर पर एक तो सबसे पहली चीज कि घर में मांसाहार नहीं आना चाहिए, दूसरी बात गाय की खूब सेवा करिएगा, अगर समय है आपके पास तो एक गाय भी पाल सकते हैं, इससे भी राहु आपका सदा के लिए शांत हो जाएगा और राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन भी शुभ होता है। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बहुत ही खास जानकारी बताने वाले हैं, आपका हक। जी हाँ, किसी भी चीज को लेकर मेहनत आप करते हैं लेकिन फायदा किसी और को हो जा रहा है या फिर कोई आपको जो है नुकसान पहुंचाकर लाभ उठाना चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा बल्कि आपको आपका हक मिलेगा। तो इसके लिए कैसे आप और कौन सी चीज का प्रयोग करें, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। तो चलिए, एक सपना ये भी आपका आज पूरा होने जा रहा है कि आपका हक कोई नहीं मारेगा, आपका जो अधिकार है वो आपको जरूर मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप ऑफिस में खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है, आपका किया गया सारा मेहनत बेकार हो जाता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। क्या है इसके अंदर सामग्री? आज इसके अंदर सामग्री है जीरा। जीरे का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले जाने इसके विषय में। क्यूमिन सीड कहा जाता है इसको, मोटापा दूर करने में सहायक होता है। चक्कर आदि अगर आते हैं आपको तो भी इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक रूप से होता है। चेहरे की झुर्रियां भी हटाता है। स्किन समस्या की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर इसके अंदर शुक्र और बुध का प्रभाव होता है। एक कटोरी में 3 चुटकी जीरा आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब यहाँ से उपाय वाला शुरू हो गया। उस जीरे पर सरसों का तेल छिड़क दीजिएगा, सामने रखकर देवी कवच का पाठ करिए। देवी कवच दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से आपको मिल जाएगा। इसके बाद इस सामग्री को आप अपने सर से 3 बार वार लीजिएगा और ले जा करके गाय को खिला दीजिएगा। आपके सामने सारा कुछ आ रहा है, इसे आप नोट करें और फिर आप अपने हक की लड़ाई में जीत हासिल करें। जी हां। और अब नागौर से हमारे साथ खुशबू जुड़ गई हैं। जी आपका स्वागत है शो में। राधे राधे। अच्छे अभी जी। जय श्री राधे खुशबू जी। मैं और मेरे परिवार की सब सदस्य आपका प्रोग्राम देखते हैं रोज, और आप जो उपाय बताते हैं वो हम सब करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी, आपके स्नेह के लिए। मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जरूर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1995। जी। समय और टाइम है दोपहर को 3:05। और जन्म स्थान है महाजन बीकानेर राजस्थान के अंदर। एक तो ये 2 साल से पीएमटी कर रही है, तो इसका इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका हो नहीं रहा अभी अभी सिलेक्शन, तो इसका इसे करना चाहिए या नहीं, और इसकी शादी के बारे में बताइए और तबीयत के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए कुंडली इनकी बहुत अच्छी है और मेडिकल में सिलेक्शन इनका लगभग तय मान के चलिएगा। थोड़ा सा भटका हुआ मन तो है इनका। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, पंचमी शुक्र के नहीं वैसे तो है अपने घर का, लेकिन मंगल राहु ने उसको इतना ज्यादा दूषित कर दिया है। मानसिक रूप से इनको बल देना है, योगा मेडिटेशन अर्थात ध्यान लगाना, प्राणायाम ये जरूर करें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले। आज से ही शुरू कर दें, अभी कर लें,
इसके बाद कल से अलार्म लगा करके सूर्योदय से पहले उठना है और योगा प्राणायाम जरूर करना है। यहाँ से इनके सफलता का क्रम आरंभ हो जाएगा। अगर ऐसा करती हैं तो डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं करती इसका मतलब योग नहीं है। दूसरी चीज, शादी के निमित्त आपने प्रश्न किया है तो वो वाला मैटर यहाँ पर बहुत निगेटिव हमारे लिए है, दिख रहा है जो हमें। शनिवार के दिन व्रत कर लें जिससे अच्छा कुल मिले। वैसे तो बहुत मुश्किल है विवाह होना ही, बिल्कुल ठीक सुन रही, विवाह होना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास अपने हाथ में है। तो शनिवार का व्रत इनके लिए वैवाहिक सुख के लिए शुभ रहेगा जी। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला से लेकर के जो मीन राशि तक के जातक हैं, इनका दिन आज का कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, बताते हैं। तुला राशि वाले आज के दिन विवाह की चर्चा कर सकते हैं। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, नीला रंग शुभ रहेगा, 75% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक, दिन फायदे से भरा रहेगा आज। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जामनी रंग की शुभता है, 65% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, बादामी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके साथ है। मकर, दिन सुखमय रहेगा, वाद विवाद से बचें, भूरा रंग शुभ है, 66% का भाग्य। कुंभ राशि, खरीदारी के लिए दिन उत्तम है, पारिवारिक उन्नति रहेगी, फिरोजी रंग शुभ है, 82% का भाग्य आपके साथ है। और मीन, यात्रा की योजना टाल दें, नई नौकरी मिल सकती है आज, ग्रे रंग की शुभता है, 45% का भाग्य जी। और अब मेरठ से हमारे साथ सुषमा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। राधे राधे। आचार्य जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर जी। हाँ जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 89 है जी, और शाम को 11:50 का जन्म है। और प्लेस? मेरठ है। मेरठ, मेरठ। हाँ जी, उसकी काम को लेकर थोड़ा चिंतित है, तो काम को थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है जी। और अपने घर में कब शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपना घर लिया हुआ है, वो अभी शिफ्ट नहीं हो पा रहे। और हाँ सर जी, आप उसके बारे में बता दीजिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ की बहुत खराब रहती है सर जी। किसके बारे में? अपने बारे में जानते हैं। अच्छा, अपने बारे में भी। चलिए सुषमा जी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जन्म है बच्चे का, और जन्म नक्षत्र है स्वाति, तुला राशि में आता है स्वाति नक्षत्र। बृहस्पति की अभी महादशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा में पैसा नहीं आता है ज्यादा, कुछ एक लग्नों में थोड़ा बहुत पैसा दे भी देता है, वैसे जनरली बृहस्पति की दशा अर्थ अभाव देती ही है, पेशेंस रखें। 2021 तक बृहस्पति की महादशा है। इनके जीवन में 2 मकान का सुख है, निश्चिंत रहें आप। कब प्रवेश करेंगे? जब आप चाहें तब प्रवेश कर लीजिएगा। अब नवरात्र शुरू होने वाला है तो प्रवेश कर सकती हैं। अंतिम चरण की 7.5 है, अर्थात जनवरी 2017 के बाद 7.5 बच्चे की उतर जाएगी, तब तक पेशेंस रखें। शनिवार के दिन काले उड़द किसी लोहे के बर्तन में रख करके और दान करवा दीजिएगा। सात्विक रहें आप लोग। आपके स्वास्थ्य के लिए आपने प्रश्न किया सुषमा जी, पीपल के नीचे की मिट्टी का तिरग लगाइएगा, स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। पितृपक्ष में कल जो है त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी का श्राद्ध कैसे किया जाए, और खास तौर पर दीप दान का विशेष महत्व किस तरह से? बिल्कुल, देखिए एक तरह से अंधकार में रहते हैं हमारे पितर, तो उनके लिए हम दीपक प्रज्वलित करके एक प्रकाश का पर्व मनाते हैं, जिससे विशेष लाभ होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है जी। तो कल जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
रहेगी दे सारी रैन उड़न छू हुआ मेरा चैन उड़न छू रहेगी दे सारी रैन उड़न छू। प्रदीप ना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली, तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना, अच्छी आदत है। कंडोम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। माल है, कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाक पर तीखा हमला, बोली कुछ देशों को आतंकियों पालने का शौक, हमें दोस्ती के बदले मिला उरी हमला। शहीद भगत सिंह की 110वीं जयंती आज दिल्ली, इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहीदों को करेंगे सम्मान। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू, हिलेरी से बोले ट्रंप, मैं नौकरियां दिला सकता हूं लेकिन आप नहीं। हिलेरी ने ट्रंप पर किया पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कोई रियलिटी शो नहीं। दिल्ली के नांगलोई में एक टीचर पर छात्रों ने किया जानलेवा हमला, वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र फरार, गंभीर रूप से जख्मी शिक्षक की इलाज के दौरान मौत। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक बुजुर्ग की हत्या, राम सेवक का पड़ोसी से कूड़ा न फेंकने को लेकर हुआ झगड़ा, पिता के साथ मिलकर किया हत्या को अंजाम।